सब्सक्राइब कीजिए डीडीएन न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। हरियाणा से आकर राजस्थान के सीकर जिले में गौ संरक्षण और शिक्षा संस्कार से जुड़े स्वामी सुमेधानंद सरस्वती आज शेखावटी की राजनीति में जाना माना नाम है। गत लोकसभा चुनाव से राजनीति में प्रवेश करने वाले सीकर के मौजूदा सांसद सुमेधानंद इस बार भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोग से राजनीति में कदम रखने वाले सुमेधानंद ने गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से सीकर की सीट छीनकर बीजेपी की झोली में डाली थी। हरियाणा के रोहतक निवासी सुमेधानंद आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। सुमेधानंद ने 1973 में घर बार त्याग कर विभिन्न गुरुकुलों में आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 1980 में राजस्थान से जुड़े और 1984 के बाद उनका लगातार यहाँ आना जाना शुरू हो गया। अक्टूबर 1994 में उन्होंने सीकर जिला मुख्यालय के समीपवर्ती पिपराली कस्बे में वैदिक आश्रम की स्थापना कर गौ संरक्षण और शिक्षा संस्कार का कार्य शुरू किया। इसी बीच सुमेधानंद 1991 से 1993 तक आर्य समाज राजस्थान के महामंत्री रहे। 1993 से 1996 तक अध्यक्ष रहे। करीब ढाई दशक से स्वामी सुमेधानंद विभिन्न प्रकल्पों के जरिए सीकर जिले में गौ सेवा और शिक्षा संस्कार को बढ़ावा देने में जुटे हैं। सीकर जिले की करीब करीब सभी स्कूलों में सुमेधानंद की कभी न कभी किसी न किसी कार्यक्रम में सहभागिता रही है। उनका यही कार्य उनकी लोकप्रियता बन गई। उनकी इस लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने अपनी संत शरण की नीति के तहत गत लोकसभा चुनाव में सुमेधानंद सरस्वती को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उनके अचानक राजनीति में आने और आते ही टिकट मिल जाने से सीकर में पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी जता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष मैरिया को नागवार गुजरा। मैरिया ने सुमेधानंद का विरोध करते हुए चुनाव मैदान में बागी के रूप में टाल ठोक दी। इससे सुमेधानंद के सामने थोड़ी परेशानियां जरूर आई, लेकिन उनकी खुद की लोकप्रियता और मोदी लहर के आगे मैरिया का विरोध टिक नहीं पाया। हालांकि कांग्रेस ने भी सीकर में अपने मौजूदा सांसद महादेव सिंह का टिकट काट कर विद्युत निगम के बड़े अधिकारी रहे पीएस जाट को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वे भी कुछ ज्यादा करामात दिखा नहीं पाए। पहले ही चुनाव में सुमेधानंद ने करीब 5 लाख मत प्राप्त कर कांग्रेस के पीएस जाट को लगभग 2,40,000 मतों से पराजित किया। इस चुनाव में मैरिया महज 1,88,000 मत ही प्राप्त कर पाए थे। इसके बाद बागी हुए मैरिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने इस बार मैरिया को सुमेधानंद के सामने फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि इस बार भी अंदर खाने पार्टी में सुमेधानंद के खिलाफ सुर उठे, लेकिन पीएम मोदी ने यहां सभा कर उसे शांत कर सुमेधानंद को फिर से लोकसभा चुनाव में भेजने की पुरजोर अपील की है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।